नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को साल 2024 की फरवरी मास की मौनी अमावस्या की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और कथा सुनाने जा रही हूं। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। इस साल मौनी अमावस्या 9 फरवरी 2024 को पड़ रही है। इस दिन विष्णु भगवान शिव जी के साथ पीपल के पेड़ की पूजा पाठ की जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं मौनी अमावस्या का महत्व, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कथा। इस साल 9 फरवरी 2024 को मौनी अमावस्या है। इस दिन भक्त मौन व्रत रखते हैं और विष्णु भगवान और शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मुनि शब्द से मौनी शब्द की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इस दिन मौन रहने वाले लोगों को मुनि पद की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या का शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन स्नान करना बहुत शुभ माना गया है। ऐसा मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन संगम तट पर और गंगा में सभी देवी देवताओं का वास रहता है, जिससे गंगा में स्नान करना ज़्यादा फलदायी होता है। इस तिथि को पवित्र नदियों में स्नान के साथ साथ दान भी करना चाहिए। अन्न, धन, वस्त्र, तिल आदि चीज़ों का दान करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन अपने मुख से किसी को भी कटु शब्द ना बोलें। मौनी अमावस्या पर विष्णु भगवान और शिव भगवान दोनों की पूजा का विधान है। अब चलिए भक्तों, पूजा विधि श्रवण करते हैं। मौनी अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। नदी या किसी भी पवित्र कुंड में स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ दें, विष्णु भगवान का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। अब तुलसी की 108 बार परिक्रमा करें, गाय को भोजन का दान करें, अनाज, तिल, वस्त्र आदि का दान करें। सुबह से ही मौन रहें। मौनी अमावस्या शुभ मुहूर्त की शुरुआत 9 फरवरी को सुबह 8:02 से होगी और इसकी समाप्ति 10 जनवरी को सुबह 4:28 पे होगी। अब चलिए भक्तों, मौनी अमावस्या की व्रत कथा श्रवण करते हैं। पुराणों के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवस्वामी था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों को विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया, सप्तवधी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा? पंडित ने कहा, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उसने बताया, वह एक धोबिन है। उसका निवास स्थान सिंहल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं ले आती हूँ, आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंहल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहू से पूछा, हमारे घर कौन बुहारता है, कौन लीपता पोतता है? सबने कहा, हमारे सिवाय और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा? किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उन बहन भाई से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या का वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया।
मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतज़ार करना। और फिर सोमा बहन भाई के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जमाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में अश्वस्थ पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। इसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है, इस व्रत का यही लक्ष्य है। कथा के बाद गंगा जी, शिव जी और विष्णु जी की आरती जरूर करें। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र सी ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता मैया, जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता, पुत्र सगर के तारे, सब जग को ज्ञाता मैया, सब जग को गाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता, एक बार भी जो नर तेरी शरण गति आता मैया, शरण गति आता, यम की त्रास मिटा कर, यम की त्रास मिटा कर, परम गति पाता। ओम जय गंगे माता, आरती मात तुम्हारी, जो जन नित गाता मैया, जो जन नित गाता, दास वही जो सहज, दास वही जो सहज, मैं मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। बोलो गंगा मैया की जय। अब चलिए भक्तों, आरती श्रवण करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी,
मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझे को अर्पण, तेरा तुझे को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश्वर जी की आरती, जो कोई नर गावे स्वामी, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। अब चलिए भक्तों, शिव जी की आरती श्रवण करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हनसासन गरुड़ासन, हनसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज अति सोहे स्वामी, दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला, रुंडमाला धारी स्वामी, रुंडमाला धारी। कंदन मृग मद लोचन, कंदन मृग मद लोचन, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे स्वामी, बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी, चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका स्वामी, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिभुवन स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे स्वामी, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। बोलो गणपति बप्पा मोरिया, शिव पार्वती जी की जय, समस्त देवी देवताओं की जय हो, अब पार्वती पति हर हर महादेव की जय। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।